चलिए सीधा लिए चलते हैं अयोध्या। सीएम योगी पहुंच चुके हैं अयोध्या। संत रामानुजाचार्य की जयंती के मौके पर अयोध्या पहुंचने की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। देखिए मंत्रोच्चार को सुन सकते हैं। संतों का ये बड़ा कार्यक्रम है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करना है। 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। उसी से पहले पूजन मंत्रोच्चार के बीच इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है, जिसकी मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। 11:10 पर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन हेलीपैड पर बाढ़ का पानी आने की वजह से एयरपोर्ट का रुख करना पड़ा। उसके बाद वहां से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे मंच की तस्वीरें आपके सामने। संत रामानुजाचार्य की जयंती के मौके पर इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप राष्ट्रगान के बाद हाथ जोड़ करके देखिए फिर से इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं और संतों का जमावड़ा है। एक बड़ा आयोजन है जिसके मंच की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। तमाम साधु संतों का अयोध्या में इस वक्त इकट्ठा होना। संत रामानुजाचार्य की जयंती का मौका, जहां उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। कांसे की एक प्रतिमा बनाई गई है 4 फीट की, जिसका आज अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। संत समाज की मौजूदगी में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रगान हो चुका है और ये देखिए यहाँ मंच पर अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं संत के बारे में। संत समाज के बीच में मौजूद रह करके वो क्या संदेश देते हैं। अयोध्या की अगर बात करें, दौरों की बात करें, तो अक्टूबर के महीने में ये तीसरा दौरा है मुख्यमंत्री का। तीसरे दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दरमियान देखिए मंच से थोड़े साधु संतों से मुस्कुराते हुए, बातचीत करते हुए भी जो तस्वीरें आ रही हैं ये आपके सामने हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही जब संबोधन होगा तो सुना जाएगा और संभवतः एक बार फिर से मंच पर जो तस्वीरें मिल रही हैं आने वाले चरण की बात करें तो हो सकता है कि कुछ और औपचारिकताएं हों। जहां हम तस्वीरें देख रहे हैं संत समाजों को इकट्ठा हुए, संत रामानुजाचार्य की जयंती का मौका है और उनकी आज एक प्रतिमा है जिसका अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और मर्यादा मूर्ति के नाम से इस प्रतिमा का अनावरण होगा। स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से इस का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। संत रामानुजाचार्य जो कि हिंदू दार्शनिक थे और इसके साथ ही साथ वैष्णव धर्म को उन्होंने बढ़ाया था, वहीं से वैष्णव परंपरा की शुरुआत भी मानी जाती है। और इस वक्त ऋषि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषि, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है रामानुजाचार्य की जयंती पर, क्या वहां की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, बताइएगा। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंदिर पे पहुंच गए हैं और मंदिर पे स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये मंदिर जो है नागर शैली की तर्ज पे बनाया गया है, जिसके लिए 1 घंटे का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का वहां पे शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि रामकथा पार्क में इनका हेलीपैड उतरना था, जिसकी पानी बढ़ने के कारण से अब उनका एयरपोर्ट पे हेलीपैड उतरा, तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ी सी चीजें प्रभावित जरूर हुई है। तो जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है अयोध्या में 3 घंटे का एक कार्यक्रम है, अब वहां पे निकलने के बाद सीधा वो जाएंगे। महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, महायज्ञ में लगभग आधे घंटे वहां पे सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो है रामकथा संग्रहालय में दीप
उत्सव को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें अयोध्या के सभी अधिकारीगण मौजूद होंगे, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि इस बार की बैठक को अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, और ऋषि इस वक्त क्योंकि मंच पर काफी संत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कितने संतों की मौजूदगी है, कौन बड़े आचार्य यहाँ पर मंच पर पहुंचे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। बता दें कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, मंच पे इस समय जो है गोपाल दास जी मौजूद हैं, अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं, रामाचार की मूर्ति का अनावरण हुआ, क्योंकि यही वजह है कि अयोध्या के जो वरिष्ठ संत थे उनको आमंत्रित किया गया है, और सभी वरिष्ठ संत जो हैं अयोध्या के मंच पे कार्यक्रम के मंच पे जो है वहाँ पे मौजूद है, और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या के साधु संतों ने सुबह से ही तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी थी, और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद अब तैयारियां शुरू हो गई है, पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, मूर्ति का अनावरण बस थोड़ी देर में कर दिया जाएगा जी। और ऋषि, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक भी होने वाली है जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, और पिछली बार से रिकॉर्ड इस बार ज्यादा हो इसकी भी कोशिश है, और उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है, तो वो बैठक कितने बजे होने वाली है, किस लेवल की वो बैठक होगी, कौन कौन से अधिकारी उसमें मौजूद होंगे, तमाम चीजों की जानकारी दीजिए। बिल्कुल, 12:40 पे ये बैठक रामकथा संग्रहालय में की जाएगी, क्योंकि पिछले बार 7,51,000 दीप जलाए गए थे, इस बार 16,00,000 दीपों का टारगेट किया गया है, और इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो पिछले वर्ष कोविड काल की वजह से जो राम भक्त थे वो दीपोत्सव स्थल पे बने पहुंच पाए थे, और इस बार कोविड का प्रकोप कम है, यही वजह है इस बार श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ेगी, जिसको लेकर के अधिकारीगण पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं। इसमें डीएम, आईजी, एसएसपी, अयोध्या के वरिष्ठ जितने भी अधिकारीगण हैं इसमें सम्मिलित होंगे, और साथ ही साथ अयोध्या के वरिष्ठ संत होंगे, और यहाँ के माननीय विधायक सांसदगण मौजूद होंगे, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं, क्योंकि इस बार भक्तों की संख्या है, और राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो 2024 के जनवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा, यही वजह है कि राम भक्तों की जो भीड़ है, भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस पर भी बहुत सी चीजें जो है चर्चाएं होंगी जी। और ऋषि, मर्यादा मूर्ति प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, क्या इसके पीछे मकसद बताया जा रहा है? मर्यादा का नाम यही है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, यही वजह है कि मर्यादा के नाम पे मूर्ति का नाम देना ही एक महत्वपूर्ण अपने में माना जाता है, क्योंकि अयोध्या जो है मर्यादा की नगरी है, यही वजह है कि इस बार के जो मूर्ति बनाई गई है मूर्ति का नाम ही मर्यादा रखा गया है, क्योंकि पूरी अयोध्या एक मर्यादा के तौर में दिखाई जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम का मंदिर बन रहा है, मर्यादा की नगरी है, तो यही वजह हुई कि मंदिर मूर्ति का जो नाम रखा जाए वो मर्यादा के नाम पर ही रखा जाए। बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।